सपा नेता आजम खान से संबंधित दो मामलों में आज रामपुर की एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाने थे, लेकिन आजम खान परिवार गैर हाजिर रहा। आजम खान की तरफ से डॉक्टर की 6 मार्च तक आराम करने की सलाह के साथ मेडिकल दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने 6 मार्च की तारीख नियत की है। आपको ये हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो आजम खान का परिवार है वो गैर हाजिर रहा, इसके चलते 6 मार्च की तारीख नियत की गई है। अब इस तारीख को दो जन प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले की अग्रिम कार्रवाई के तहत 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने आजम परिवार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बयान दर्ज करने के लिए एक बार फिर आदेशित किया है। देखिए, दो पत्रावली लगी थी। एक मुकदमा अपराध संख्या 130 जो थाना शाहजहां नगर का है, वो भड़काऊ भाषा संबंधित है, उसमें मोहम्मद आजम खान साहब अभियुक्त हैं। दूसरा मुकदमा अपराध संख्या जो है 4/19 थानागंज की है, जो अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म पत्र से संबंधित था। ये दोनों पत्रावलियाँ 313 में नियत थी और माननीय न्यायालय द्वारा विकट तिथियों के में आज की लिए तीनों अभियुक्तों को तलब किया था कि आप अनिवार्य रूप से आकर के अपना 313 का बयान अंकित करावें, लेकिन आज अभियुक्तगण उपस्थित नहीं आए। उनके अधिवक्ता के द्वारा हाजी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आजम खान की तबीयत खराब को लेकर के मेडिकल रिपोर्ट आई थी, दाखिल किया गया कि उनकी डॉक्टर ने 6 तारीख तक रेस्ट दिया है। और आजम मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जो थी हाजी माफी, वो इस आधार पर थी कि क्या नाम है कि वो जिले से बाहर गए हैं, और तंजीब फातिमा साहब की भी हाजी माफी आई थी, जिसको मेरे द्वारा आपत्ति की गई कि विगत कई तिथियों से पत्रावली 313 में नियत है और प्रत्येक तिथि को ऐसा ही स्तर प्रार्थना पत्र आता है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना और माननीय न्यायालय ने कहा कि क्या नाम है 6 तारीख की तिथि नियत किया जा रहा है, 6 तारीख को आप अनिवार्य रूप से अपना 113 का बयान अंकित करा लें।